success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, I don't wanna let myself down. हेलो गाइज, दिस इज कुंदन, वेलकम बैक टू माय चैनल केविंग्स फोटोग्राफी। सो गाइज, इस वीडियो में मेरे पास है DJI RSC2 गिम्बल और इस गिम्बल पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखा हुआ है। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो, इसे कैसे बैलेंस करते हैं और इसमें क्या क्या डिफरेंट मूड्स देखने को मिलता है, इन सब टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो सब वीडियो जाकर के देख लेना। सो गाइस, इस वीडियो में इस गिम्बल की आज हम एडवांस मूड्स को देखने वाले हैं, कैसे इसे 360 रोल वीडियो शूट कर सकते हैं, कैसे इसे ब्रीफकेस मूड में डालते हैं, कैसे इसे फ्लैश लाइट मूड में डालते हैं और कैसे हम इसे सेल्फी मूड में डालते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा एक दूसरा चैनल है केविंग्स रिएक्ट करके, जहाँ पे मैं मीम्स रिव्यू करता हूँ। अगर आपको मीम्स देखना पसंद है तो वो चैनल जाकर के देख लेना और उसको सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स डालता हूँ, वो भी चैनल जाकर के चेकआउट कर लेना और उसे भी सब्सक्राइब कर देना। चलो अब इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रहा गिम्बल। इसमें पहला देखते हैं कि इस गिम्बल को हम कैसे सेल्फी मूड में डाल सकते हैं। तो सेल्फी मूड में डालने के लिए काफ़ी आसान है, ये आगे जो बटन दिख रहा है इसको 3 बार प्रेस कर देना है तो कैमरा हमारे तरफ घूम जाएगा, सेल्फी मूड में आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये गिम्बल सेल्फी मूड में आ चुका है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का वीडियो बना सकते हैं सेल्फी मूड में। अब इसे क्या करना होगा, अगर आपको फिर से हटाना होगा ये सेल्फी मूड, तो इसे इस बटन को क्या करना है, 2 बार फिर से प्रेस कर देना है तो फिर से गिम्बल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हो इस सेल्फी मूड को इनेबल या डिसेबल करना है तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, साइड में जो बटन दिया है इसको दबा करके मेन्यू खोल लेना है। मेन्यू में जाने के बाद हमें एडवांस सेटिंग में जाना है, एडवांस में चले जाना है। उसके बाद फिर हमें इसमें ढूंढना है सेल्फी मूड को। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिसेबल सेल्फी, इसमें जाना, फिर से इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। अगर ऑन कर देते हैं इस चीज़ को तो हमारा सेल्फी मूड डिसेबल हो जाएगा, अगर इस चीज़ को ऑफ करते हैं तो सेल्फी मूड ऑन रहेगा। सो इस तरीके से आप इस गिम्बल को सेल्फी मूड में आसानी से डाल सकते हो। दूसरा, इसमें फ्लैश लाइट मूड, इसे फ्लैश लाइट मूड में इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। इस गिम्बल को ऐसे पकड़ना है और हमें आगे की तरफ ऐसे झुका लेना है, झुकाने के बाद हमें ऐसे आगे या पीछे करके इन एंड आउट शॉट काफ़ी अच्छे अच्छे ले सकते हैं। तो गाइस, ये था फ्लैश लाइट मूड जो काफ़ी सिंपल एंड इजी था। तीसरा मूड है अंडर स्लंग मूड। इस मूड में क्या होता है, गिम्बल को नीचे की तरफ झुका देना होता है। नीचे की तरफ झुकाएंगे तो कैमरा हमारा क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे की तरफ होने से ये फायदा होता है कि हम लो लेवल शॉट काफ़ी अच्छे अच्छे ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, रोल एक्सिस जो ये दिया हुआ है इसे हमें आगे की तरफ कर लेना है डिस्प्ले के जस्ट अपोजिट साइड में। और उसके बाद हमें क्या करना है, रोल एक्सिस को एक हाथ से पकड़ना है और कैमरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे ऐसे तो कैमरा हमारा उल्टा हो जाएगा, अभी आप देख सकते हो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस गिम्बल को इस तरीके से पकड़ना है और हमें गिम्बल को ऐसे नीचे की तरफ ऐसे कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो ये अंडर स्लंग मूड में चला गया हुआ है। और ध्यान दोगे आप, ये जो रोल एक्सिस है ये पीछे होना चाहिए कैमरा के, आगे नहीं होना चाहिए, तब जा करके ये सही तरीके से अंडर स्लंग मूड में हमारा गिम्बल रहेगा। डिस्प्ले आगे होना चाहिए लेंस की तरफ और ये वाला रोल एक्सिस जो है लेंस से बिल्कुल पीछे होना चाहिए, इस तरीके से। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी लो एंगल शॉट्स ले सकते हैं आसानी से। और फिर से इस गिम्बल को नॉर्मल पोजीशन पे लाना होगा तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें गिम्बल को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा लेना है। गिम्बल को सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से रोल एक्सिस को पकड़ लेना है यहाँ पे एक हाथ से और कैमरे को क्या करना है, फिर हमें इस बार क्लॉक वाइज इस तरीके से घुमा लेना है। क्लॉक वाइज घुमाने के बाद फिर क्या करेंगे, रोल एक्सिस को वापस से डिस्प्ले के सामने कर लेंगे और आप देख सकते हो अभी गिम्बल हमारा इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है। नेक्स्ट है इसमें ब्रीफकेस मूड। इस गिम्बल को ब्रीफकेस मूड में कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें इसे स्लीप मूड में डाल लेना है। इधर से एक बार पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये स्लीप मूड में चला जाएगा। फिर से हमें क्या करना है, रोल एक्सिस को पकड़ लेना है और इसे पीछे के डायरेक्शन में कर लेना है, इस तरीके से डिस्प्ले के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हमें क्या करना है, रोल एक्सिस को पकड़ के एक हाथ से पकड़ेंगे रोल एक्सिस को और हम क्या करेंगे, कैमरे को पकड़ के फिर से इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। इस तरीके से घुमाने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो लॉक दिया हुआ है गिम्बल को लॉक करने वाला, इसे हमें पूरी तरीके से खोल लेना है। इस तरीके से लॉक को खोलने के बाद हमें क्या करना है, पैन एक्सिस को पकड़ना है इस तरीके से और हमें गिम्बल को इस तरीके से खोल लेना है। खोलने के बाद हमें क्या करना है, गिम्बल को इस तरीके से घुमा लेना है। इसको खोलने के बाद हमें ये ध्यान रखना है, उंगली के बीच में गैप होना चाहिए, इसमें बिल्कुल ऐसे सटाना नहीं है आपको।
गैप रखने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला नॉब सही से घुमा करके लॉक कर लेना है काफ़ी अच्छी तरीके से, टाइटली लॉक कर देंगे इसे। लॉक करने के बाद आप देख सकते हो गिम्बल हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यही होता है हमारा ब्रीफकेस मोड। तो गाइस आप देख सकते हो इस गिम्बल को हमने ब्रीफकेस मोड में डाल दिया हुआ है। सो बेसिकली यही होता है इसका ब्रीफकेस मोड। अभी से इस्तेमाल करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे ताकि हमारा स्लीप मोड इसमें से हट जाए। देखो पावर बटन को एक बार प्रेस करने के बाद हमारा स्लीप मोड हट चुका है और गिम्बल हमारा रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। अब आप यहाँ से जॉयस्टिक घुमा करके गिम्बल को घुमा भी सकते हो, लेफ्ट राइट टिल्ट भी कर सकते हो और इसे आप वीडियो अब आसानी से शूट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आप दोनों हाथों से ऐसे गिम्बल को पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हो, जो काफ़ी आसान हो जाता है गिम्बल को इस्तेमाल करना इस तरीके से। ब्रीफकेस मोड से फिर से अगर हमें इसे नॉर्मल पोजीशन पर ले जाना होगा गिम्बल को, तो क्या करेंगे, पहला काम पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे ताकि हमारा गिम्बल स्लीप मोड में चला जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, लॉक को फिर से हमें खोल लेना है, ये वाले नॉब को। खोलने के बाद हमें फिर से पैन एक्सिस को यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे कर लेना है गिम्बल को। गिम्बल को सीधा करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, इस नॉब को घुमा करके इसे लॉक कर लेना है अच्छे तरीके से। लॉक करने के बाद हमें क्या करना है, कैमरे को पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, तब इस बार हमें क्या करना होगा, इसे क्लॉकवाइज घुमाना होगा। सो क्लॉकवाइज घुमाने से पहले हमें क्या करना है, रोल एक्सिस को इस तरीके से पकड़ लेना है एक हाथ से, अब उसके बाद कैमरे को हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर से क्या करेंगे, रोल एक्सिस को डिस्प्ले के सामने ऐसे घुमा लेंगे। तो फिर से हमारा गिम्बल क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, आप देख सकते हो। पांचवा है इसमें 360 डिग्री रोल वीडियो। इस गिम्बल से हम कैसे 360 डिग्री रोल वीडियो बनाते हैं वो अब देखने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मूड बटन दिया है इसे हमें 3 बार लगातार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 360 डिग्री 3D रोल, यानी कि अब ये 360 डिग्री मूड में चला गया है गिम्बल हमारा। अब इससे हम 360 डिग्री वीडियो बना सकते हैं। 360 डिग्री रोल मूड में डालने के बाद हमें गिम्बल को इस तरीके से पकड़ना है और हमें आगे की तरफ इस तरीके से कर लेना है। अब इसमें कैमरे को 360 डिग्री रोल करना होगा, तो हमें क्या करना है, जॉयस्टिक को राइट में ऐसे प्रेस करना है। राइट में करेंगे तो हमारा कैमरा राइट की तरफ रोटेट करने लगेगा, आप देख सकते हो। और अगर चाहे तो इसे हम लेफ्ट की तरफ भी रोटेट कर सकते हैं, जॉयस्टिक को लेफ्ट की तरफ प्रेस करके इस तरीके से। और अगर आप जॉयस्टिक को नहीं दाबे रहना चाहते हो तो आप जॉयस्टिक को 2 बार ऐसे प्रेस करके छोड़ दो, तो ये खुद से गिम्बल उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और फिर इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे का जो बटन दिया हुआ है उसे 2 बार प्रेस कर देना होगा, तो ये इनिशियल पोजिशन पर आकर के रुक जाएगा। वैसे ही क्या कर सकते हो, अगर राइट में इसे मूव करना होगा तो हम राइट की तरफ जॉयस्टिक को 2 बार ऐसे प्रेस करके छोड़ देंगे, तो हमारा कैमरा राइट की तरफ ऐसे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस गिम्बल को 360 डिग्री रोल मूड से हटाने के लिए फिर से हमें क्या करना है, मूड बटन को 3 बार प्रेस कर देना है। 3 बार प्रेस करेंगे तो ये फिर से हमारा M1 पे चला जाएगा पैन फॉलो मूड में। तो गाइस मैंने इस वीडियो में इस गिम्बल के सारे एडवांस मूड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके पास ये गिम्बल है और आपको ये मूड्स नहीं पता था तो ये मूड्स जाकर जरूर ट्राई करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। I don't wanna let myself